शनि देव उस पर रक्षा करेंगे, शत्रु मरे दरबारा, मच रेखा फर उत्तम देवे, बुध शुक्र दो ग्यारह। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं राहु भाव नंबर 7 वाले इंसान को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, 7वां भाव गृहस्थ का, जीवन साथी का, पार्टनरशिप का होता है और राहु इन सब का दुश्मन है, इसलिए ऐसे इंसान को शादी और पार्टनरशिप करते समय बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए, खास करके जब उसकी उम्र 21 साल, 42 साल, 48 साल हो या राहु की महादशा में राहु गोचर कर रहा हो या राहु वैसे ही कुंडली में गोचर कर रहा हो या वर्ष फल में हो और 7वें भाव में चल रहा हो, क्योंकि एक तो ये आपकी पार्टनरशिप को खराब कर देगा, ऊपर से माली नुकसान और रिश्तों में दरार भी पैदा कर देता है। दोस्तों, 7वां घर जो है वो ऊपर से जो प्राप्त होने वाली आमदन है, जिसको ऊपरी आमदन भी बोलते हैं, उसका भी गिना गया है। जैसे कि आपको किराए की आमदन हो जाना, ब्याज इंटरेस्ट की आमदन होना, या फिर आपको 2 नंबर की या रिश्वत की आमदन आदि, ये सब चीजों को राहु से देखा जाता है। यहाँ पर इंसान को जो राहु है वह झूठ फरेब आदि से धन कमाना भी सिखा देता है। इस भाव में राहु के साथ कोई भी नेक ग्रह वे आकर बैठ जाए तो राहु उसमें अपनी गंदगी डाल देगा, बजाय कि उसकी सिफत अपने अंदर लेने से। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर राहु के साथ अगर सूरज हो तो ससुराल में मैंने किसी ना किसी प्रकार की मौत या अकाल मृत्यु होती देखी गई। इसी तरह से राहु के साथ अगर गुरु हो, बृहस्पति हो, तो ससुर या पिता को सास की प्रॉब्लम होती देखी गई। राहु के साथ अगर चंद्र हो तो माँ, सास या नानी, इनमें से किसी को सांस की समस्या या राहु से संबंधित रोग होते हुए देखे गए हैं, जैसे कि दिमागी परेशानी। राहु के साथ अगर मंगल हो तो यही हाल भाई या साले के साथ हो सकता है, और अगर उन दोनों में से किसी को नहीं आया हो तो खुद को परेशानी मंगल से संबंधित रोगों की आएगी। शनि के साथ अगर ऐसा होगा तो कमर की दर्द, शनि सर्जरी देता है तो कोई ना कोई सर्जरी होगी। अगर शुक्र के साथ हो तो आपकी होने वाली पत्नी या हो चुकी हुई पत्नी, आपकी भार्या, आपकी लाइफ पार्टनर या आपकी भाभी, उनको किसी तरह की राहु से संबंधित परेशानियां होती हुई देखी गई। दोस्तों, अगर 7वें भाव में राहु हो तो जीवन साथी के बीच में राहु खाली अकेला बैठकर भी शक के बीज को बो ही देता है, और जैसे कि इसके साथ साथ जब शक आएगा तो गृहस्थ के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी विघ्न और बाधाएं आनी शुरू हो जाएगी, जिससे लाइफ पार्टनर को और आपके बीच में संबंधों के अंदर खटास पैदा हो जाएगी। शारीरिक और मानसिक तौर पर आपस में दूरियां आदि राहु ही पैदा कर देते। बाहर के किसी दूसरे चक्कर को जाहिर हो जाने की वजह से कभी कभी इस इंसान के घर में कलेश शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये चक्कर आदि का जो साजिश है ये भी राहु के द्वारा रची जाती है और इंसान इसके अंदर घिसता हुआ चला जाता है। दोस्तों, राहु ऐसे इंसान को ससुराल में और रिश्तेदारी के अंदर, जो ससुराल से संबंधित रिश्तेदारी उनमें भी दरारें, क्योंकि राहु जो है उसको ससुराल भी बोला गया, तो ससुराल के अंदर और ससुराल की रिश्तेदारी के अंदर भी कभी कभी फीकापन या खटास या दरार पैदा कर देता है। ऐसे इंसान को भूल कर भी किसी भी प्रकार से व्यापारिक सांझ जो है वो अपने ससुराल वालों के साथ नहीं करनी चाहिए।
नहीं तो उसका जो अंत है वह कलेश के अंदर ही तब्दील होगा। एक खास बात और, बुध शनि या केतु राहु साथ के समय पर अगर 11वें भाव में हो और उस ग्रह से संबंधित रिश्तेदार से किया हुआ कारोबार आपको नुकसान देगा, यहां तक कि उस ग्रह से संबंधित रिश्तेदार आपको लूटने की कागार पर आ सकता है, या हमने कई कुंडलियों में ऐसे इंसान को उन लोगों से जो उस ग्रह से संबंधित है से बहुत अधिक नुकसान प्राप्त करते हुए भी देखा है। दोस्तों एक खास बात मैंने यहाँ देखी है कि अगर ऐसे जो इंसान हैं जिनका राहु साथ में हो, उनकी जो मुंह की लंबाई है, जो चेहरा है, अगर वह लंबा है बजाय कि गोल होने के, तो ऐसा इंसान अपने माता पिता की, अपनी गृह परिवार की सेवा भी खूब करता है। बरखुरदार बच्चा, बरखुरदार औलाद कहलाता है, श्रवण कुमार कहलाता है। और कभी कभी घर की लेफ्ट हैंड के अंदर मैंने देखा है अक्सर ऐसे इंसान अपने घर के लेफ्ट हैंड में ही अधिकतर बाथरूम आदि बनवाते हैं। और तो और लेफ्ट हैंड से एक और चीज बताऊंगा कि ऐसे घर के ऐसे इंसान के अंदर जिसका भी राहु भाव नंबर 7 में बैठा हो, ऐसे इंसान के घर के अंदर कोई ना कोई लेफ्ट हैंड से लिखने वाले इंसान होते हैं, हालांकि कभी कभी ये खुद भी होता है। एक और चीज, क्योंकि आज राहु 7 की बारी आई है तो राहु 7 पे ही बोलना है, ऐसे इंसान को तेज खेल, जो तेजी से खेले जाने वाले खेल हैं, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गई, क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, ऐसे खेल बहुत पसंद होते हैं। यहाँ तक कि ऐसा इंसान बहुत दिलेर होता है अपने दोस्तों यारों मित्रों आदि पर, देर सवेर शादियों पर पार्टियों में खूब पैसा लुटाता है। और एक खास असूल होता है पर राहु वाले का, वो असूल एक ही लाइन में हो जाता है कि माय वे और हाई वे, यानी अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। काम कोई भी करेगा लेकिन करेगा वही काम जिसमें इसे अपना मतलब, अपना कोई ना कोई लालच या अपना किसी प्रकार का प्रॉफिट दिखता हो। दोस्तों ये लंबा विषय है और मन बहुत है राहु 7 के ऊपर बोलने का, क्योंकि बहुत चीजें ऐसी हैं जो बोली जा सकती, लेकिन मेरी सजेशन आपसे यही है कि आप उचित परामर्श लेकर मेरे जैसे किसी भी ऐसे इंसान को जो लाल किताब के ऊपर शोध करता रहता है, आप उनसे अपॉइंटमेंट लेकर अपने सभी ग्रहों के ऊपर चर्चा कर सकते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं कि ऐसे इंसान को उपाय क्या करना। दोस्तों आपको बहुत गहन, क्योंकि राहु 7 के समय शनि को देखना जरूरी होगा, आपको उचित परामर्श के लेने के बाद आपको नीलम पहनना चाहिए, ब्लू सफायर पहनना चाहिए। जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट, जो शॉर्ट्स शेयर्स होते हैं, उनका ऐसा इंसान उनसे कभी फायदा नहीं ले पाता, इसलिए उन्हें बहुत सोच समझ कर आप यूज कीजिए, उन पे पैसा लगाइए। 21 और 42 ये 2 साल ऐसे हैं, और साथ में 48, ये 3 सालों में राहु अपनी चरम सीमा पे अच्छा, नेक या मंदा और या बेहद मंदा असर देने पर आता है। तो इन सालों में, क्योंकि राहु 7th हाउस में पार्टनरशिप का मैंने आपको बोला, तो पार्टनरशिप नहीं करनी। और दूसरा, शादी भी इन्हीं सालों में आपको परहेज करनी चाहिए। साथ ही साथ शादी के समय आपको लाल किताब के अच्छे जानकार से परामर्श कर उपाय करना बहुत फायदा देगा, और ये पूरी जिंदगी देगा। ऐसे इंसान को घर के अंदर कभी पेट डॉग, कुत्ता नहीं पालना चाहिए। ऐसा करने से उसकी गृहस्थ जिंदगी बहुत अधिक भयानक परिणाम की तरफ मुड़ती हुई मैंने देखी है। 7 सूखे नारियल, या कितने भी हो लेकिन अगर 7 हो सके तो बहुत अच्छा है, सूखे नारियल जिनको हिलाने से आवाज आए,
पंजाबी में हम इसको खड़कवे नारियल बोलते हैं, वह आपको कभी कभी जल प्रवाह करने चाहिए। इससे लाइफ पार्टनर के और आपके अंदर मिठास पैदा होगी। दो चांदी के चौरस टुकड़े लेकर एक को जल प्रवाह करना है और एक को किसी एक बर्तन में नदी का जल भरकर उसे घर में लेकर टाइट करके रखना है, और ध्यान रहे वह जल सूखे ना, जब भी सूखने लगे उसे वापस भर दें। अब बात करते हैं कारोबार की। ऐसे इंसान को क्या कारोबार करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए। बिजली, पुलिस, ट्रांसपोर्ट, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट, ये सारे कारोबार भूल के भी ना करिए, इससे आपको मंदा असर हो। कोकोनट ऑयल, ये आपको फायदा देगा, ड्राई कोकोनट का फायदा होगा। सिल्वर ऑर्नामेंट्स आपको फायदा देंगे। वाटर प्यूरिफायर का काम अगर आप करना चाहते हैं फायदा देगा। वाटर पोल्यूशन के साथ रिलेटेड कितने भी किसी भी तरह के काम हो, चाहे उसके केमिकल हो, चाहे पानी साफ करने का काम हो, या ऐसा कुछ भी हो, ठेकेदारी आदि होती है कई जगह पर, लोग लेते हैं नदी नालों में, समंदर में, तो वो फायदा देंगे। दोस्तों, राहु हमारी दिमाग की वह सोच है जो बिजली की चमक के साथ आती है। जैसे कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आपके सामने एकदम से कोई आ जाए, तो फिर उसका निर्णय आपकी बुद्धि नहीं राहु करता है, क्योंकि उस समय आप एक सेकंड के भी दसवें या सौवें हिस्से की अधिक स्पीड से, तेजी से सोचकर निर्णय लेते हैं। बस इसी सोच और इसी रफ्तार के निर्णय को राहु से जोड़कर देखा गया। आप झूठ से, फरेब से, धोखे से, रिश्वत से जो आप पैसा कमा रहे हैं, वे भी राहु की ही देन है। इसी वजह से लीगल पंगे, खास करके पुलिस, सरकारी विभाग, रेड, ये सब भी राहु डालता ही डालता है आपके सर पे, जब भी राहु खराब हो। जेल यात्रा भी राहु करवाता है, एक्सीडेंट भी राहु करवाता है, किसी को हॉस्पिटल पहुंचाना हो तो वो भी राहु की कृपा से ही होती है। फिर भी, और यहां तक कि किसी प्रकार की जो दिमाग की परेशानियां हैं, दिमाग की बीमारियां हैं, इन सबको राहु से ही जोड़कर देखा जाता है, और इनका उपाय करते समय राहु महाराज का ही ध्यान रखा जाता है। इसलिए इन सब चीजों का उपाय करने के लिए, इनका परहेज करने के लिए आपको उचित जानकार से मदद लेनी चाहिए। दोस्तों, मैं समय समय पर, हम लोग कई वीडियोस राहु पे या दूसरे ग्रहों पर लेते आए हैं, हम सब उनके ऊपर होने वाले जो आप पे अच्छे या बुरे असर हैं वो भी डिस्कस करते हैं, उनके उपाय भी असर कर क्या असर करेंगे वो भी बताते हैं, यहाँ तक कि आप वो किस तरह का उस ग्रह से संबंधित बिजनेस कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आ रही होगी। हम जल्दी मिलेंगे दूसरे नए वीडियो को लेकर। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।